अभिषेक भैया आप मैथ्स के टीचर भी है स्कूल में और उसी के साथ में ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करते हैं। भैया अपराइज एकेडमी इंस्टीट्यूट में मैथ्स पढ़ाते हैं। भैया ने उनका फर्स्ट यूजी वर्कशॉप जुलाई 2017 में किया था। बाद में बहुत सारे वर्कशॉप्स भैया ने किए हैं। कानपुर में भी भैया ने वर्कशॉप्स को अटेंड किया हुआ है और भैया वॉलेंटियरिंग भी कर रहे हैं। जैसे वीडियो एडिटिंग के टीम में भैया वॉलेंटियरिंग के रूप में अपनी भागीदारी को निभा रहे। तो भैया आपका स्वागत है। और भी जी भैया, धन्यवाद। एक बार पुनः सभी को नमस्ते। भैया, मेरी आवाज़ आ रही है साहब? हाँ भैया थोड़ी सी धीमी है तो आप थोड़ी आवाज अगर ठीक है ठीक है ठीक है भैया। भैया बिल्कुल जी भैया, थोड़ा सा परिचय और मैं अपना रख देता हूँ। तो मैंने 2017 में ही अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री बीटेक कंप्लीट किया। तो एक था ये कुछ सार्थक करना था, तो ऐसा मान्यता के रूप में मैं देख पाता था कि बाहर जो बहुत अच्छे लोग हैं तो बहुत सार्थक काम करे हैं, तो उनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो ऐसा मैंने डिसाइड किया कि थोड़ी सी जो अव्यवस्था दिख रही थी कि प्रकृति में असंतुलन है, तो उसको ठीक करने के लिए ऐसा मैंने निर्णय लिया था कि यहाँ पे काम करना है। तो उसी क्रम में कई जगहों पे जो भारत के उत्कृष्ट किसान थे, तो उनके यहाँ पे रुकना हुआ, जानना हुआ। तो भैया, एक किसान थे पदम श्री, तो मैं उनके यहाँ पे गया था। तो वहाँ पर मोती भैया आए थे, मोती भैया और मोती भैया के साथ में बाबा जी थे जो, तो वो उन्होंने उस वर्कशॉप में सिर्फ 5 मिनट का सेशन लिया था, वो जो होता है मोती भैया। तो फिर उनसे चर्चा चला था, तो उन्होंने फिर गाइड किया था कि ऐसा वर्कशॉप होता है। तो बेसिकली वो वर्कशॉप था खेती के बारे में ही, तो वहाँ से कंटेंट से जुड़ना हुआ। फिर उसी के क्रम में कानपुर संस्थान आना हुआ, और फिर कानपुर संस्थान में उस समय वर्कशॉप तो नहीं चल रहा था जब मैं आया था, 10-12 दिन के लिए रुकना हुआ। अभिषेक भैया से, श्याम भैया से और सर से बातें हुई थी, तो उन्होंने मेरा ध्यान काफ़ी इंगित किया ऐसे। तो डिसाइड तो हुआ कि करने का काम तो ये है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत गहरी मान्यता के कारण मैंने ये निर्णय लिया कि यहाँ तो रुक के सीधा सीधा ऐसी अपनी योग्यता तो है नहीं अभी, लेकिन मैं आता जाता रहूँगा। तो जब कभी वर्कशॉप होता था तो मैं वहाँ पे भागीदारी के रूप में और समझने के क्रम में आता था। तो ऐसा मेरा कार्यक्रम चला। तो फिर दो घटनाएं हुई परिवार में, जिसके कारण अंदर से फिर झकझोरा। जहाँ मैं काम कर रहा था तो बाबा जी की और दादी का देहांत हुआ, तो पता चला कि थोड़ा सा उनका अस्वस्थ होने के कारण ऐसा हुआ। तो फिर भैया से बात हुआ, श्याम भैया से, सर से, तो उन्होंने मार्गदर्शन किया कि देखिए, प्रकृति में चीज़ें हैं, अस्वस्थ शरीर तो मन के कारण भी हो सकता है, ऐसा है। तो एक बात पूरी छुई कि यहाँ तो काम करने से पूरा होने वाला नहीं है। तो फिर ध्यान गया कि अपने ऊपर थोड़ा सा, यानी कि बाहर फिर ध्यान ही रहा कि दूसरे को ठीक करना है, वैसा जो वर्कशॉप में सुन के आते थे। तो धीरे धीरे ऐसा ऐसा परिवार में कुछ घटनाएं घटती गई, एक बड़ी बड़ी, तो वैसा अपने ऊपर ध्यान गया। फिर इसी क्रम में जब मैं काम ही कर रहा था तो यहाँ पे, तो परिवार से संबंध मेरे बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं होते थे। तो फिर भैया ने ध्यान दिलाया कि तुम्हारा जीने का केंद्र बिंदु क्या है। मैंने बोला वही भैया, वही प्रकृति को देखना। तो फिर उन्होंने ध्यान दिलाया कि घंटे 2 घंटे लगभग, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, 2-2 घंटे 3-3 घंटे के बारे में तर्क वितर्क होते रहते थे। तो फिर वहाँ से उन्होंने कई बार मुझे डांटा भी कि वहाँ आप करोगे तो वो तो बदलाव होता रहता है, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो कुल मिला के फिर डिसाइड हुआ कि अपने ऊपर काम, विचारों पे काम करना है, व्यवहार तो तभी ठीक होगा विचारों पे। फिर 2021 में सुबह के सत्र में अभिषेक भैया जो कानपुर के हैं, तो उन्होंने मुझे मॉर्निंग सेशन में जोड़ा। फिर वहाँ से मैं अगर कहूँ तो जो गति मेरी बन रही थी धीरे धीरे, वो गति बनना चालू हुई। तो अब मैं जो
अपने आप में अंदर जांच पड़ताल कर पाया हूँ, उसको भैया मैं रखने का प्रयास करता हूँ और आपसे उचित मार्गदर्शन चाहूँगा कि जहाँ पर मेरी गति ऐसा प्रतीत हो रहा है रुका है, तो उसको आप बढ़ाने का प्रयास करेंगे, उधर ध्यान इंगित कराने का प्रयास करेंगे। तो एक्सरसाइज एक और स्टेप नंबर एक में मैं यह ऐसा देख पाता हूँ कि भाव को देखना है और कोई प्रतिक्रिया करके नहीं देखना है। तो ये मैं कहूँ कि ऐसा मुझे लगता है कि मैं भाव को देख लिया हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि विचार पूर्वक ज़्यादा देखा हूँ। फिर ये भी देखने लगा कि यहाँ पे मेरी आशा क्या है, तो मुझे लगता है कि मतलब कि मैंने भाव को देख लिया, लेकिन हो सकता है कि मैंने डायरेक्ट भाव को देखा हो, क्योंकि तो जो आगे के स्टेप हैं जब उसको करने जाता हूँ तो उसमें कुछ उससे कनेक्ट होता है। तो फिर भाव को देखने की बात है, लेकिन हाँ एक तो बात यह है कि विचारों की श्रृंखला दिखाई पड़ती है, वो कनेक्टिविटी दिखाई पड़ती है। पहले तो एक विचार देख लेते थे तो लगता है बहुत अच्छा कर दिया, लेकिन वर्कशॉप को जैसे जैसे एक्सरसाइज में भैया ने ध्यान इंगित कराया कि एक से दूसरे विचार कैसे बदल रहे हैं, तो उसको भी देखना है बिना प्रतिक्रिया के। तो कम से कम अगर मैं निर्णय पूर्वक बैठता हूँ देखने के लिए, तब ऐसा हो पाता है कि उसकी लिंकेज दिखाई पड़ती है कि ये विचार फिर अगला विचार फिर अगला फिर अगला। तो वहां पे फिर जब दो तीन विचार को देखकर भाव चेक करने का निर्णय करता हूँ, डायरेक्ट तो ऐसा नहीं देख पाता, तो वहां पे भाव भी दिखाई देता है कि भाव क्या है। तो अगले स्टेप में जो बात बोली जा रही है कि सहजता असहजता, तो वो निर्णय दिखाई देता है सहजता असहजता। कभी कभी ऐसा स्थूल चीजों में तो सहज असहज तो एकदम साफ दिखता है, मैं असहज हूँ इस समय सहज हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा भी दिखाई पड़ता है सहजता असहजता भी नहीं दिखती। तो उसको जो तीन कीवर्ड दिए गए हैं, तो उस कीवर्ड से एक तो अपने आप को मैं सेट करता हूँ कि ये स्वभाव के अनुरूप है या फिर इसकी निरंतरता मैं कर सकता हूँ कि नहीं। तब वहां से फिर लगता है कि ये तो असहज है, निरंतरता तो नहीं कर सकता, लेकिन जब मैं उसको देख रहा था तो लगता था कि ये सहज ही। तो ऐसा भी हो पा रहा है, सारी चीजों में नहीं, कुछ कुछ चीजों में ही अभी ऐसा देख पा रहा हूँ, ऐसा भी कह सकता हूँ। स्थूल स्थूल ज्यादा चीजों में, थोड़ी सी सूक्ष्म चीजों में ऐसा है। और तीसरा स्टेप जो बोल रहे हैं सुखी दुखी का, अब सुखी दुखी को मैं बोलूँ कि जब शुरुआत में इस मॉर्निंग सुबह के सत्र से जुड़ना हुआ था, तो जो स्टेप एक दो तीन तो लगभग लगभग मिक्स ही करके मोटा मोटा देखता था मैं, तो सुखी दुखी ज़्यादा दिखाई पड़ता है मुझे, लेकिन अभी भी सुखी दुखी दिखाई पड़ता है। तो दुख की स्थिति में तो उसको फिर वापस जाने का प्रयास करता हूँ कि ये देखिए मैंने ये भाव था इसमें असहजता के, तो अभी तो सुखी दुखी वाला स्टेप ऐसा मैं देख पाता हूँ, तीसरा स्टेप। और जो चौथा स्टेप है कि बाहर की परिस्थिति निर्णय ले रही है या फिर दूसरा व्यक्ति निर्णय ले रहा है, तो अभी जैसे जैसे मैं अपने आप में देखता हूँ तो निर्णय तो विचार पूर्वक तो ऐसा मैं कह सकता हूँ, और एकदम डायरेक्ट मैं बोलूँ कि डायरेक्ट उसको देखना हो पाया है तो ऐसा नहीं, निर्णय तो मैं ही ले रहा हूँ अभी, जैसे बोलने का निर्णय है। और लेकिन जब ये बात पूरी स्थूल मतलब इंट्रैक्शन के वक्त या फिर कोई कार्य करते समय ये ऐसा, लेकिन जो अपने ऊपर देखने का है मेरा भाव बिगड़, मैं सहज हो रहा हूँ असहज हो रहा हूँ सुखी दुखी हो रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं अभी तो मैंने ऐसा देखा है कि इस व्यक्ति के कारण तो हुआ है। तो ऐसा भी मतलब इंस्टेंट धीरे थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, बहुत सारी स्थितियों में मुझे लगता था कि बाहर से ही निर्णय हुआ, लेकिन जब वहाँ पे अपने आप को फिर ऑब्जर्व करना करके तो उस स्थितियों से निकल पाया हूँ, लेकिन बहुत सारी स्थितियाँ हैं अभी जो निर्णय अभी मैं बाहर ही मान रहा हूँ, बाहर की परिस्थितियों के कारण ही। अब पांचवा है जो जो भाव विचार चल रहा है वो आधार को चेक करना है। भैया आधार ऐसा मैं कहूँ कि जब मैं देखता हूँ कि दुखी हुआ हूँ और निर्णय मैंने लिया है, दुखी हुआ हूँ और निर्णय मैंने लिया है, ये थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ, निर्णय मैंने लिया है तब मैं आधार को चेक करता हूँ। मतलब एक दो पाँच चार को ऐसे मैं मान ही रखा हूँ कि निर्णय हुआ है या फिर
तो उसको मैं चेक करता हूँ, तो आधार दिखाई पड़ता है। ये अभी जैसे इंट्रैक्शन के वक्त पूरा आधार दिखाई पड़ रहा है, कुछ कुछ स्थितियों में घर वालों के साथ, स्कूल में, बाहर, यहाँ पे आधार क्या है, और कार्य को करते हुए भी दिखाई पड़ रहा है आधार क्या है। लेकिन जो हर मतलब उसके अलावा जो है उसमें आधार को प्रायोरिटी एक तरीके से कह सकता हूँ नहीं रहती है, तो वहाँ पे आधार को नहीं देख पाता हूँ। लेकिन ये है कि कुछ स्थितियों में जहाँ पे इंट्रैक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे मैं मान्यता किस आधार पे मैं निर्णय कर रहा हूँ, मान्यता के आधार पर या फिर सही समझ के आधार पर, तो वहाँ पे दिखाई पड़ता है। ऐसा है अभी स्टेप नंबर 5 मेरा। और 6 तो ये निसंदेह ये सहज स्वीकार है, संबंध व्यवस्था और सहअस्तित्व का प्रभाव। लेकिन इसको बस खाली शब्दों के माध्यम से कह सकता हूँ, इसको ना यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ना आधार को ही चेक करने में, या फिर आधार को उसको आगे के स्टेप में बिना जाए ही उसको ठीक करने का प्रयास, तो जो भैया हमेशा बात या ध्यान में दिलाते हैं, धीरे धीरे करके गति होती है। और लेकिन वो थोड़ी सी मैं देखता हूँ जल्दबाजी होती है, तो इसको ऐसा मेरे अंदर अभी मैं देख पाता हूँ कि ये है। तो संबंध का भाव, सहअस्तित्व का भाव, या फिर विरोध का भाव, या फिर संघर्ष का भाव, या फिर अव्यवस्था का भाव, यहाँ पर ऐसा मेरा देखना हो पा रहा है। और जब इसको समझते हैं तो संपूर्णता में समझने का प्रयास करते हैं इस संबंध व्यवस्था और सहअस्तित्व को, तो ऐसा मैं देख रहा हूँ कि एक दो स्थितियों में ही समझने का वो होता है। ऐसा तो नहीं रहता कि समझना है, कि जैसे कोई परेशानी हो जाती है तब लगता है कि मैंने ये सारी चीज़ों को आधार मैंने गलत मान रखा है, अब इसको तो समझना ही, लेकिन ऐसा अपना काम तो चलता रहता है ना, तो ऐसा वहाँ पे प्रायोरिटी नहीं रहती कि समझना ही है। लेकिन ये थोड़ा था थोड़ा स्थितियों से जब असहजता होती है, मान्यताएं दिखती हैं, तब निर्णय होता है कि यहाँ पे समझना है। कुछ स्थितियों में कह सकता हूँ कि थोड़ा थोड़ा समझने वाला पार्ट ना, पूछने वाला पार्ट कि क्या स्वीकार है, उसको देखने वाला पार्ट ऐसा हो पा रहा है। और सुनिश्चित करने का जो है स्टेप नंबर 7, तो किसी क्षण में मान लीजिए कि दिखा कि संबंध है, तो वहाँ पे तो कुछ समय के लिए तो सुनिश्चित कर पाते हैं, लेकिन ये हर क्षण ऐसा नहीं हो पाता। तो एक्सरसाइज नंबर 1 में तो अभी मेरा ऐसा देखने का हुआ है क्रम। एक्सरसाइज नंबर 2 में अगर मैं बोलूँ अपनी बात, तो स्टेप नंबर 1 मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, इसको मैंने विचार पूर्वक हो सकता है देखा हो, या फिर ऐसे स्वप्न के रूप में देखा हो, कि मैं निर्णय तो ले रहा हूँ शरीर को, लेकिन वो शरीर थोड़ा सा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो ऐसा मुझे दिखा कि, और पूरी की पूरी कल्पनाशीलता को मैं देख रहा हूँ कि मैं संकेत दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, शरीर थोड़ी देर के लिए रिस्पॉन्ड वो नहीं कर रहा है, हिल डुल नहीं रहा है, तो पूरी शरीर को देख पा रहा था मैं, तो ऐसा तो हुआ है। लेकिन अभी ये मेरे लिए खुला ही है कि क्या ऐसा मैंने देख पाया है। तो विचार पूर्वक तो स्पष्ट है, और जो वर्कशॉप में भी बताते हैं मैं और शरीर की क्रियाओं, तो क्रियाओं को भी पूरा देख कर स्पष्ट है, फिर शांत अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो वहाँ पर भी स्पष्टता रहती है, लेकिन ये कंटिन्यू होने वाला है तो ऐसा मैं नहीं देख पाता हूँ अभी। और सूचनाओं का आदान प्रदान है, तो मेरे और शरीर के बीच में सूचना आदान प्रदान हो रही है, तो इसको हमेशा तो मैं जब शांत होकर देखने का प्रयास करता हूँ, तो ऐसा दिखता है कि मेरे और शरीर के बीच में सूचना की ही आदान प्रदान हो रहा है। लेकिन जैसा एक्सरसाइज स्टेप नंबर 1 है इसका, तो वो पूरी तरीके से है नहीं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सूचना और ये ना आदान प्रदान को वो देख नहीं पाता ठीक ठीक से। तो स्टेप नंबर 2 में कुछ ऐसा ही मैं कर पा रहा हूँ। शरीर को क्या संकेत देना है इसका निर्णय मैं लेता हूँ।
ये बात ठीक लगता है, लेकिन पर्टिकुलर किस समय मैंने संकेत दिया है तो वो कहीं ना कहीं मैंने संकेत दे दिया है, कार्य मतलब जो शरीर की हरकतें हैं वो हो गई हैं, फिर उसको देख पाते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, लेकिन इंस्टेंट ऐसा मैं देख पाता हूँ उसी क्षण तो ऐसा नहीं है, लेकिन मोटे तौर पे है। जैसे यहाँ तक तो है कि संकेत जैसे मैंने शरीर को दिया है वैसा कर रहा है, हाथ को हिलाना पैर को हिलाना तो ऐसा देख पाता हूँ, चलना फिरना और कुछ बोलना तो इस तरीके से देखना हो पा रहा है। अब संवेदना से दूर होते हुए संवेदना को पढ़ता हूँ, यानी कि शरीर और संवेदना के बीच में दूरी है, तो इसको जो भी हम लोग भैया ने एक होमवर्क दिया था तो उस होम वहाँ पे इस होमवर्क को तो मैं कह सकता हूँ कि ठीक तरीके से करने का प्रयास करता हूँ, कि निर्णय अंत में मैं लेता हूँ और संवेदना के बीच की दूरी वाला, तो संवेदना मैं देखता हूँ किसी पोस्चर में रख रहा हूँ तो वहाँ से दिखाई पड़ता है कि मैं कल्पनाशीलता को देख भी रहा होता हूँ और एक ही पोस्चर में बदलने के कारण वहाँ से संवेदना आ तो रही है, तो मैं चाहूँ तो अपनी कल्पनाशीलता को ठीक ठीक देख पाऊँ और संवेदना को भी देख पाऊँ, तो ऐसा तो लगता है कि बहुत सारी जगहों पे संवेदनाएं तो हो ही रही हैं, उसको निर्णय मैं ही ले रहा हूँ। जैसे उदाहरण के रूप में मोटा उदाहरण मैं लेता हूँ, इधर जैसे एक बार हुआ मेरे साथ कि माथे पर थोड़ा सा चोट लग वो फिरकी टाइप का हुआ था, तो मैंने उसको नाखून से छिल दिया तो वहां से खून निकल रहा था, तो मैंने जब शीशे में देखा थोड़ी समय बाद ऐसा शीशा देखना हुआ तो वहां से खून निकला, लेकिन मैं उसको पढ़ नहीं रहा था, तो ऐसे है ऐसे देखना हो रहा है। तो बाहर की परिस्थिति शरीर का प्रभाव निर्णय को पढ़ता हूँ, अर्थ देता हूँ, प्रभावित होना या फिर नहीं प्रभावित होना है ऐसा है, तो बाहर की परिस्थिति शरीर तक पहुंचता है, इस बात को बहुत धैर्य से देखता हूँ, तब ऐसा हो पाता है, जैसे अपने आप को ठीक ठीक से तरीके से ऑब्जर्व करने की दृष्टि से। और बाकी जब स्टेप और पीछे के स्टेप पूरे हो जाते हैं तो ये स्टेप ठीक तरीके से कर पाता हूँ, नहीं तो फिर उसमें एक जैसे हमेशा का रहता है कि अर्थ देने वाला काम निर्णय पूर्वक ना पढ़ता हूँ अर्थ देने वाला काम, तो वो मतलब उस क्षण हो रहा है कि मैंने कुछ चीजें मान रखी हैं तो उसी के हिसाब से बिना उसको देखे बिना ही अर्थ दे रहा हूँ, लेकिन जब लुक बैक करना होता है तो फिर से इस स्टेप को ठीक ठीक तरीके से पूरा करने का प्रयास करता हूँ। अब शरीर पे प्रभाव पड़ता है और मेरा निर्वाह, तो यहाँ पर भी बोलूँ यह कि शरीर पे जो प्रभाव पड़ा ये शरीर का एक चीज, इसको इस तरीके से देखने का प्रयास कर रहा हूँ कि शरीर बहुत स्थूल सूचना को सूक्ष्म में बदल रहा है और उस सूक्ष्म सूचना को मैं पढ़ रहा हूँ, उसके गहरे में मैं उसको अर्थ दे रहा हूँ अपनी संस्कार या फिर मान्यता जो मैंने माना है उस हिसाब से, तो ये अभ्यास बस खाली इस तरीके से इस स्टेप को देखने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि शरीर है और फिर सूक्ष्म में बदला ऐसा। यहाँ पे जो संस्कारों की बात है वहाँ पे संस्कार मैं देखूँ तो विचार पूर्वक या फिर ये ऐसा हुआ होगा कि कुछ स्थितियों में ऐसे ऐसे मैंने किया है तो यहाँ पे ठीक नहीं है ना, तो ऐसा ही देखना हो पा रहा है, लेकिन हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि परिवार में जिन बातों में या फिर बाहर जिन बातों में बहुत ज़्यादा परेशान होता था ना, कुछ अलग मीनिंग रख देता था कि बाहर की परिस्थितियों के कारण ही ऐसा हुआ है, ठीक है ऐसा ही होना चाहिए, तो वहाँ वहाँ पे ऐसे कुछ छिटपुट मैं देख पाता हूँ कि बहुत स्थूल स्थूल चीज़ों में अभी ध्यान तो गया है वहाँ से निवृत्त हो पाया हूँ ऐसा कह सकता हूँ, लेकिन फिर वो स्थितियाँ फिर घूम के आती हैं, तो एक आध दो बार ऑब्जर्व करने के बाद फिर असहजता तो बनती है लेकिन परेशान तो थोड़ा कम होता हूँ, तो ऐसा है स्टेप नंबर
6 में ऐसा मैं देख पाता हूँ। और 7 में है जो बात बोली जा रही है, उसको मैंने ऐसा अभी सोचा है कि अभी यहाँ पे ही बहुत ठीक तरीके से काम किया जाए, तो अपने पास समय की उपलब्धता रहेगी, यानी कि मैं और पीछे के स्टेप को ठीक तरीके से करूँ, तो उस समय की उपलब्धता में, समय के अंतराल में इसको भी देखना हो पाएगा, सुनने को भी देखना हो पाएगा, ऐसा है। तो अभी एक्सरसाइज 102 में मेरा कुछ समझ ऐसी बनी है, और सुप्रभाव है या स्वभाव है, तो इस बात को अगर मैं बोलूँ तो स्वभाव के रूप में ऐसा प्रतीत होता है कि है ही स्वभाव, लेकिन प्रभाव के रूप में जीना है ही, जैसे दूसरों से कहीं ना कहीं रहता है कि वो मेरी जो मैं कार्य कर रहा हूँ, व्यवहार कर रहा हूँ, वो ठीक अप्रिशिएट किया जाए, और अगर नहीं अप्रिशिएट किया जाता तो थोड़ा सा असहजता होती है, लेकिन ये धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ इसकी तीव्रता कम हो रही है। अब स्वभाव के रूप में देख पा रहा हूँ तो कार्यक्रम क्या बना रहे हैं, कितना संवेदना के अर्थ में, कितना चैतन्य के अर्थ में, तो यह ऐसा देख पा रहा हूँ कि चैतन्य के अर्थ में कार्यक्रम अभी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, अनुकूल संवेदना के अर्थ में थोड़ा सा इसका कम रहता है, और एक ऐसी भी स्थिति है कि परिवार के थोड़े से दबाव के कारण जो जिम्मेदारियां हैं तो उसको भी लेकर भी बाहर जो कार्य करना होता है तो वहाँ पे थोड़ी सी रहती है, लेकिन ये संवेदना के रूप में बोलूँ तो संवेदना में बहना अब इस वर्कशॉप के माध्यम से बहुत ज़्यादा नहीं है। मान लीजिए खाने के लिए ही है तो ध्यान फिर लौट किया जाता है, शरीर के स्वास्थ्य के लिए हो सके तो बहुत ज़्यादा देर तक तो नहीं रहता है, कम से कम अपने आप में प्रश्न पूछना तो ऐसा होना चालू हो गया है। अब कमिटमेंट के लिए मैं बोलूँ तो कितना समय लगा रहे हैं, तो ऐसा मैं जो मोटा मोटा मैं काम करता हूँ तो वहाँ पर कार्य करते समय वहाँ पे तो कुछ वर्कशॉप के वीडियो ऐसा सुनना वैसा हो रहा है, और बैठ बैठ कर जो है वो करना लगभग 1 घंटे के आसपास, ऐसा मैं अभी तो कर पा रहा हूँ बैठ कर, बाकी कार्य करते समय ज़्यादा भी हो रहा है, तो ये समय के रूप में है। और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के लिए जी भैया 2 घंटे तो निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा भी देख पाता हूँ कि जब कुछ जिम्मेदारी रहती है तो उस समय मैं निकाल कर उसमें लगा भी देता हूँ, प्रतिदिन की तरह होता है, लेकिन अगर जिम्मेदारी कुछ ऐसी रहती नहीं है तो वो समय ना इन्वेस्ट नहीं कर पाता हूँ, थोड़ा सा समय कार्य करने में या फिर दूसरों से घर के लोगों से बात करने में, तो इस तरीके से समय निकलता है। यह वर्कशॉप इस मॉर्निंग सेशन में अभी इतना एक्सप्लोरेशन हो पाया है जी। एक बार पुनः सभी को नमस्ते, सभी का धन्यवाद। अभिषेक भैया स्कूल में शिक्षक हैं, गांव में भी रह रहे हैं और एक तरह से देखें तो मेन स्ट्रीम जो हायर एजुकेशन है उसके भाग नहीं है, परंतु अपनी तरफ से लगे रहते हैं। तो उनके पास वैसे तो बना बनाया अवसर नहीं है कि कहीं पे इंडक्शन प्रोग्राम चल रहा हो, कहीं पे UHE2 का कोर्स पढ़ाया जा रहा हो, परंतु फिर भी लगे रहते हैं, संस्थान आते जाते रहते हैं, भैया लोगों से मार्गदर्शन लेते रहते हैं। तो उस रूप में देखें तो एक अच्छी भागीदारी करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके लिए जो अवसर है मुझे लगता है गांव में ठीक से काम करने का, तो जैसे अपने ऊपर काम करते हुए अगर वो थोड़ा गांव में वर्कशॉप शुरू करें, ग्राम सभाओं में बात रखें, परिवारों को जोड़ने का प्रयास करें तो और अच्छी गति बनेगी उनकी भी। भैया को मुझे लगता है अभी सब जगह थोड़ी गति बढ़ाने की जरूरत है, थोड़ा जी भैया, आराम आराम से चल रहा है ना, तो और थोड़ा जी गति भैया, दें, क्योंकि अभी कोई ऐसा आपके ऊपर पारिवारिक बड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं है ना। अभी आप अविवाहित है ना भैया? जी भैया अविवाहित हैं, 2 भैया छोटी बहनें हैं तो वो जिम्मेदारी है अच्छा, जी। बट फिर भी मतलब आए की जिम्मेदारी आपने स्वीकारी हुई है। स्कूल के टाइमिंग के बाद जी शाम को अगर आप गांव में बैठक करना शुरू करें तो बिल्कुल पॉसिबल है, पर उस तरह के जी ऑप्शंस को आप देखना शुरू करें, क्योंकि हम लोग अभी 2 या 3 स्तरों पे काम कर रहे हैं। जैसे एक हायर एजुकेशन में काम हो रहा है, साथ ही लिविंग मॉडल्स पे काम हो रहा है, चाहे कॉलेज को लिविंग मॉडल बनाया जाए या गांव में लिविंग मॉडल बनाया जाए, जैसे भगवान भैया काम कर रहे हैं।
तो उस तरह का जी अवसर भैया, आपके पास भी है ना। आप भगवान भैया से भी संपर्क में रहें, संस्थान आप आते जाते रहते हैं, गांव में जी बैठ भैया, के अगर की जाए तो जैसे अभी अपने आप में हम कई बार सजग होने के अभ्यास में उधेड़बुन में चले जाते हैं, विचारों में खो जाते हैं, है ना, उससे बहुत कुछ सार्थक निकाल के नहीं ला पाते हैं, जी भैया, और हमारे बहुत सारे संस्कारों का मूल्यांकन भी नहीं होता कि जैसे अगर हम खुल के समाज में जाएंगे और इस तरह के मुद्दे उठेंगे तो क्या हम उससे भयभीत हो जाएंगे या हम रास्ता निकाल पाएंगे। अब इस तरह के गहरे संस्कार हैं, क्योंकि तो जब आप सिस्टम में बात करके जाते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, इन चैलेंजेस से क्या हम घबरा जाएंगे या हम उसको ओवरकम कर पाएंगे। तो मुझे लगता है आप थोड़ा सा उधर ध्यान दें कि कैसे गाँव में बैठ कर शुरू हो, परिवारों का आपस में कैसे संवाद शुरू हो, तो आपका ये एक अनुकूल अवसर है ना, बस्ती में है ना। जी भैया, हाँ, तो एक अनुकूल अवसर है, उसको थोड़ा सा आप देखिए, उसको करिए, क्योंकि समय है आपके पास, जी भैया, स्कूल आवर्स के बाद आपका पूरा समय है, मतलब ये जरूर है कि थोड़ा पशुओं की देखभाल करनी होगी, बट उसके पहले और बाद में तो समय है ही, तो उसका सदुपयोग करना शुरू करें, थोड़ा विचारों के उधेड़बुन से निकल पाएंगे फिर, है ना। ठीक ये भैया, भाव को सजगता से देखने के लिए भागीदारी बहुत जरूरी है, भाव भागीदारी के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो अभी हम इच्छा के अवसर पर जब भाव को देखते हैं और चिंतन में जब भाव हमको दिखते हैं, तो चिंतन का मतलब ये भागीदारी का दिखना है, तो जब तक भागीदारी नहीं करेंगे तो दिखेगा भी नहीं, और कहीं ना कहीं विचारों में ही हम उसके लपेटों में आ जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा आप देखें। तो मुझे लगता है गाँव वाले काम में आपके लिए एक अच्छा अवसर है, उसको थोड़ा प्रयास करें, तो और फिर उसको आप शेयर भी जी करें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उससे और लोगों को भी लिविंग मॉडल्स के बारे में बिल्कुल रियल लाइफ है ना जानकारियां मिलेंगी, और फिर कई लोग होंगे हम में से जो सोच रहे होंगे उस दिशा में, जैसे हम में से कई लोग हैं जो हो सकता है कि कहीं टीचिंग कर रहे हैं बट उनका अपना पैतृक गांव है, कुछ उस पर काम करना चाहते हैं, तो जब इस तरह की शेयरिंग भी होगी कि वहां जब काम करने जा रहे हैं तो क्या चैलेंजेस हैं, क्या अनुकूलताएं हैं, क्या अवसर हैं, तो सभी लोगों को उस दिशा में ध्यान भी जाएगा और अल्टीमेटली अपने काम तो करना ही है इस प्रकार से। तो बहुत बढ़िया भैया, मेरी तरफ से शुभकामना आपको, बधाई। जी भैया, धन्यवाद भैया।